देखो ओ दीवानो, तुम ये काम ना करो, राम का नाम बदनाम ना करो। ये शख्स जिसे इस वक्त आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसका नाम है तबरेज अंसारी। उम्र 24 साल। आरोप ये कि अपने दो दोस्तों के साथ गया था चोरी के मकसद से, मगर उसके बाद भीड़ ने इसे बेरहमी से पीटा और 22 जून को इसने दम तोड़ दिया। और जानते हैं, जब भीड़ इसे पीट रही थी तो बार बार मानो युद्धोन्माद की तरह कह रही थी, बोल जय श्री राम, बोल जय हनुमान। मैं ये वीडियो आपको नहीं दिखाऊंगा, मगर जय श्री राम और जय हनुमान को जिस तरह से एक वॉर क्राई की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है, वो आप जरूर सुने। बोल भाई, अरे बोल जय श्री राम, बोल बोल जय श्री राम, बोल आओ तोरा बोल, अरे एक बार बोल, मैं बोल जय श्री राम, और एक बार बोल जय श्री राम, जय हनुमान बोल, और एक बार बोल हनुमान। यकीन मानिए दोस्तों, जितना इन लोगों ने राम को बदनाम किया है, जितना इन लोगों ने हनुमान को बदनाम किया है, धर्म का इतना ज्यादा नुकसान इन कट्टर हिंदुत्ववादी ताकतों से ज्यादा किसी ने भारत को नहीं पहुंचाया, किसी ने धर्म को नहीं पहुंचाया। और आप और हम इस बात को महसूस भी नहीं कर रहे हैं, आप और हम आभास भी नहीं कर रहे हैं कि ये किस तरह से हमारे ताने बाने को नुकसान पहुंचा रहा है, किस तरह से हमारे साख पर सवाल कर रहा है। क्योंकि आज न्यूज चक्र में हम आपको बताने वाले हैं कि ना सिर्फ राम के नाम को बदनाम किया जा रहा है, बल्कि किस तरह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह भारत की साख को नुकसान पहुंचा रहा है। क्योंकि मैं आपको बताना चाहूंगा कि अमेरिका ने अपनी एक रिपोर्ट में, जी हां, 2018 की इस रिपोर्ट में, जिसमें एक तरह से ताना बाना है भारत के अंदर जो माहौल है उसको लेकर, उसमें यह कहा है कि गैर हिंदुओं पर, जिसमें मुसलमान और ईसाई शामिल हैं, साथ ही दलितों पर करीब 18 हमले हुए हैं, 8 लोग मारे जा चुके हैं। यही नहीं, ईसाइयों और गिरिजाघरों पर करीब 300 से 500 हमलों का जिक्र है। यह रिपोर्ट जिसे अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पेयो ने जारी की है, वो माइक पोम्पेयो जो मंगलवार को भारत आ रहे हैं। इस रिपोर्ट में क्या क्या है मैं आपको बताना चाहूंगा। पहली बात, भीड़ ने गौ रक्षा के नाम पर मुसलमानों पर बार बार हमला किया है। दूसरी बात, प्रशासन ने कई मामलों में हमलावरों को संरक्षण दिया ताकि उन पर कानूनी कार्रवाई ना हो सके। तीसरी बात, झारखंड में तो एक ईसाई गुट पर इसलिए हमला किया गया क्योंकि राज्य सरकार का एजेंडा है जिसमें ईसाइयों का विरोध करना शामिल है, वो निहित है। रिपोर्ट में इस बात का भी जिक्र है कि बीजेपी के कई नेता अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ भड़काऊ बयान दे रहे हैं। अब यह एक अमरीकी रिपोर्ट का हिस्सा बन चुकी है। अहम बात यह है कि कुछ दिन पहले 13 जून को अमरीकी विदेश मंत्रालय में एलिस वेल्स, जो कि वहां पर सहायक उप विदेश सचिव हैं, जानते हैं उन्होंने क्या कहा था। उन्होंने कहा था कि अमरीका चाहता है कि भारतीय नेतृत्व धर्म के आधार पर ऐसे हमलों की आलोचना करे और दोषियों पर कार्रवाई करे। भारत ने जाहिर सी बात है इसे सिरे से खारिज कर दिया है। भारत का कहना है कि हम इसे सिरे से खारिज करते हैं। मगर क्या आप जानते हैं, भारत के लिए चिंता के दो विषय हैं। पहली बात, हम आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता पर अमेरिकी सरकार के एक आयोग ने भारत के वर्तमान हालात पर चिंता जाहिर की है, और उस चिंता के चलते आप जानते हैं उन्होंने क्या कहा है। इसके चलते उन्होंने अप्रैल 2019 में भारत को चिंताजनक हालात वाले दूसरे श्रेणी के देशों में डाल दिया है। यह अप्रत्याशित है। यही नहीं दोस्तों, इस आयोग ने इससे पहले अपनी ताकत का इस्तेमाल सिर्फ एक बार किया था, जब उन्होंने गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वीजा रद्द कर दिया था। आज कुछ सवाल हम आपके सामने करना चाहते हैं। क्या यह दोनों देशों के बीच अप्रत्याशित तनाव के तौर पर सामने आएगा? हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इसे सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार पर हमला मान रही है। और आप जानते हैं कि जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम आता है, बीजेपी के लिए और इस सरकार के लिए मामला निजी हो जाता है।
सवाल नंबर दो, मंगलवार को अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो भारत आ रहे हैं, क्या भारत इस मुद्दे पर अपना विरोध दर्ज करेगा? क्या विदेश मंत्री मोदी सरकार के लिए कोई संदेश लेकर आ रहे हैं? इस बात को लेकर बड़ी बात, बीजेपी ने इसे साख का मुद्दा बना दिया है। क्या भारत और अमेरिका के बीच ऐसे तनाव पैदा होंगे जिसमें यू टर्न लेना मुश्किल हो जाएगा? और मैं आपको बताना चाहूंगा कि भारत और अमेरिका के बीच तनाव सिर्फ इस मुद्दे पर नहीं है, भारत और अमेरिका के बीच मैं आपको बताना चाहूंगा कि व्यापार के क्षेत्र में भी जबरदस्त तनाव बना हुआ है, जिसकी चर्चा मैं आगे करने वाला हूं। डिफेंस के क्षेत्र में अमेरिका सीधे तौर पर भारत का ब्लैकमेल कर रहा है। तो ये दोनों क्षेत्र हैं जो भारत और अमेरिका के बीच तालमेल के संबंध में अहम स्थान रखते हैं और दोनों ही मामलों में तनाव बन रहा है। मगर एक बार फिर मैं आपको ले चलना चाहूंगा उस तस्वीर की ओर जो मैंने कार्यक्रम की शुरुआत में आपको दिखाई थी, तबरेज अंसारी। मैं जानता हूं आप लोगों में से कुछ लोग क्या कहेंगे, हालांकि इस वक्त जो जांच में बात सामने आ रही है कि तबरेज वहां पर गलती से फंस गया था, चोरी शायद उसके दो दोस्तों ने की थी मगर तबरेज फंस गया और भीड़ ने उसके साथ ये इंसाफ किया। मगर मैं जानता हूं आप लोगों में से क्या कहेंगे कुछ लोग कि अच्छा है, चोर के साथ तो ऐसा ही होना चाहिए। आप लोगों में से जो लोग ऐसा सोच रहे हैं ना, मैं आपको बधाई देना चाहूंगा, बधाई कि आपने भारत को तालिबान शासित अफगानिस्तान बना दिया है, बधाई कि आपने भारत को सऊदी अरब बना दिया है, क्योंकि इस तरह का तालिबानी शासन, इस तरह के तालिबानी कानून सिर्फ अफगानिस्तान या सऊदी अरब में हुआ करता है, जहां पर चोरी करने वाले को मौत के घाट उतार देते हैं। क्या आप भारत को इस तरह से बना देना चाहते हैं? और बात यहां पर नहीं रुकती दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि देहरादून में कुछ हिंदुत्ववादी संगठनों ने एक फरमान जारी किया है और आप जानते हैं यह फरमान क्या है, कि हिंदू कार्यक्रमों में आगे से कोई मुसलमान शिरकत नहीं करेगा और जितने भी हिंदू कार्यक्रम होंगे जो लोग वहां शिरकत करेंगे वो टीका लगा कर आएंगे। यानी कि मुसलमानों को अब हिंदू धार्मिक जो कार्यक्रम है उससे दूर रखने का कार्यक्रम है। मगर आज मैं आपके सामने कुछ मिसालें रखना चाहूंगा। मन तड़पत हरि दर्शन को आज, आपको यह भजन याद है? क्या आप जानते हैं भजन किसने गाया था? यह भजन आप जब भी आंख बंद करके सुनेंगे ना, आपके जहन में कोई मुसलमान नहीं आएगा। मोहम्मद रफी साहब जरूर आएंगे मगर कभी आप ये नहीं सोचेंगे कि कोई मुसलमान ये गाना गा रहा है। जानते हैं क्यों? क्योंकि रफी साहब ने अपनी जिंदगी में जितने भी गाने गाए हैं इस भजन में उन्होंने मानो अपनी पूरी जान न्यौछावर कर दी और यह भजन एक मुसलमान ने गाया था। यही नहीं, बड़ी देर भई नंदलाला तेरी राह तके ब्रिजबाला, यह भी रफी साहब ने गाया था। मगर क्या आपने और हमने जब भी इस गाने का लुत्फ उठाया कभी यह सोचा है कि यह भजन किसी मुसलमान ने गाए? अब बात करते हैं महाभारत की, हिंदुओं का धार्मिक ग्रंथ, टेलीविजन पर एक लोकप्रिय सीरियल। मगर क्या आप जानते हैं कि महाभारत के संवाद किसने लिखे थे? महाभारत के संवाद लिखे थे इस शख्स ने जिसका नाम है राही मासूम रजा, एक मुसलमान। मगर आयुष्मान भव्य, विजयी भव्य, इसके तमाम संवाद मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है कितने लोकप्रिय हुए थे। क्या आपने कभी सोचा कि इसके संवाद एक मुसलमान ने क्यों लिखे? अब एक और चीज, फिल्म लगान याद है आपको? क्या आप जानते हैं कि लगान में एक बहुत ही प्यारा भजन था, ओ पालन हारे निर्गुण ओ न्यारे। जानते हैं इसे किसने लिखा था? इसे लिखा था जावेद अख्तर साहब ने। मगर क्या कभी आपको इस बात का आभास हुआ कि यह एक मुसलमान ने लिखा था? मैं आपसे क्यों ये तमाम बातें कर रहा हूं, देखिए, एक तरफ अमरीकी रिपोर्ट भारत के अंदर जो धार्मिक माहौल है किस तरह से उसे उग्र बनाने की कोशिश, मुसलमानों को टारगेट करने की बात, यह तो चल ही रहा है, मगर दूसरी तरफ समाज के अंदर आप और हम आपस में किस तरह से जुड़े हुए हैं उसे हिंसक तरीके से अलग करने की कोशिश की जा रही है। आज मेरा आपसे सवाल,
जो चीज सामान्य नहीं है, जो चीज नॉर्मल नहीं है, अगर आप उस तरह के हालात पैदा करेंगे तो होगा क्या समाज में? क्या आप समाज के अंदर गृहयुद्ध जैसे हालात चाहते हैं? समाज के अंदर अराजकता चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि हम में और आप में जो एक विश्वास का माहौल है वो पूरी तरह से खत्म हो जाए? और क्यों? ये सवाल आज आपको करने की जरूरत है। बहरहाल, मैं आपसे साथ ही बात कर रहा हूं भारत और अमेरिका के बीच जो अभूतपूर्व तनाव चल रहा है, मैंने जिक्र किया शुरू में उस रिपोर्ट का। अब मैं रुख करना चाहता हूं व्यापार के क्षेत्र में किस तरह का तनाव भारत और अमेरिका के बीच हो रहा है। अमेरिका ने भारत पर आरोप लगाया है कि भारत अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस कर रहा है, यानी कि व्यापार में गैर वाजिब तरीके अख्तियार कर रहा है। मैं आपको बता दूं कि 5 जून से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पहले ही प्रेफरेंशियल ट्रेड ट्रीटमेंट उसे खत्म कर रहे हैं। यही नहीं, अमेरिका बार बार यह भी आरोप लगा रहा है कि भारत और अमेरिका के बीच जो ट्रेड है, व्यापार है, उसमें भारत जो टैरिफ्स लगाता है वो जरूरत से ज्यादा है। तो भारत और अमेरिका के बीच तनाव का यह दूसरा मुद्दा। व्यापार के अलावा तनाव रक्षा मामलों में भी दिखाई दे रहा है, और यहां पर अमेरिका की तरफ से मिल रही है सीधी धमकी, एक किस्म का ब्लैकमेल। और मैं आपको बताता हूं कैसे। अगर भारत ने रूस से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम खरीदा तो भारत और अमेरिका के रक्षा संबंध अधर में लटक जाएंगे, उसमें खतरा पैदा होगा। यह बात किसी और ने नहीं बल्कि एलिस वेल्स ने कही है, जिसका जिक्र कुछ देर पहले मैंने किया था, जो कि सहायक उप विदेश सचिव हैं अमेरिका के अंदर। एलिस वेल्स यह भी कहती हैं, रूस के साथ भारत के $5 अरब के रक्षा समझौते को लेकर अमेरिका में कई आशंकाएं हैं। अमेरिका भारत की सारी रक्षा जरूरतें पूरे करनी चाहता है और हम भारत के साथ एक अलग और व्यापक रक्षा समझौता करना चाहते हैं। अमेरिकी कांग्रेस में भारत को मेजर डिफेंस पार्टनर का दर्जा हासिल है और भविष्य की सारी कोशिशें इसी बुनियाद पर की जानी चाहिए। जैसे कि आप जानते हैं दोस्तों, मंगलवार को अमेरिकी विदेश मंत्री आ रहे हैं माइक पोम्पेयो, और यह खबर है, और जैसे कि पोम्पेयो पहले भी कह चुके हैं, कि लॉकहीड मार्टिन के F-21 और बोइंग के FA-18 की पेशकश दोनों बातचीत की मेज पर होगी। मगर इसमें कुछ राइडर्स हैं, कुछ किंतु परंतु हैं। आप जानते हैं अमेरिका आगे क्या कह रहा है। अमेरिका कह रहा है कि अगर भारत रूस के साथ अपने समझौते रद्द कर देता है तब वो भारत को F-35 जेट्स भी दे सकता है। तो यहां पर खेल सामरिक नीति का है, कूटनीति का है, राजनीति का है और ब्लैकमेल का है। मैं जानता हूं आप लोगों में से कुछ लोग क्या कहेंगे कि अमेरिका ब्लैकमेल कर रहा है। यकीनन रक्षा मामलों में तो वो जरूर हमें ब्लैकमेल कर रहे हैं, मगर जिस पहली रिपोर्ट का हमने जिक्र किया था, जिसमें यह कहा जा रहा है कि भारत के अंदर मुसलमानों के लिए, दलितों के लिए, ईसाइयों के लिए हालात ठीक नहीं है, आप उसे भी कह सकते हैं कि अमेरिका ब्लैकमेल कर रहा है। अंग्रेजी में एक शब्द है, यू आर मोस्ट वेलकम टू स्टे इन अ फूल्स पैराडाइज। आप रह सकते हैं, बिल्कुल रह सकते हैं, मगर मुझे परवाह नहीं कि अमेरिका क्या कह रहा है। मुझे परवाह है कि मेरे धर्म को किस तरह से बदनाम किया जा रहा है। मुझे परवाह है कि किस तरह से आप और हम जो भाई बनकर रहते हैं, किस तरह से उस ताने बाने को तोड़ा जा रहा है। क्योंकि जिस तरह से ताना बाना टूट रहा है, जिस तरह से चीजें बिखर रही हैं, समाज में अराजकता मच जाएगी। और मैंने बार बार, चाहे न्यूज चक्र हो, चाहे बोल किलब आजाद है, इन सब में इस बात का जिक्र हमेशा किया है। इन सवालों के जवाब सरकारों के पास नहीं है दोस्तों, इन सवालों के जवाब आपको देने होंगे, आप यानी जनता। क्योंकि जनता आंखें मूंद लेती है, यह सोचती है चलो कोई बात नहीं दलित है, चलो कोई बात नहीं मुसलमान है। मगर राहत इंदौरी साहब ने कितनी खूबसूरत बात कही है कि लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहां पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। आप सबसे मेरी अपील कि इस कार्यक्रम को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, इसे लाइक करें, शेयर करें और न्यूज क्लिक के इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत, नमस्कार।